परसों वाणी चल रही थी 7, 5, 6 की। दूसरे दिन के अंत में बात चल रही थी जो बेहद का बाप है और सब आत्माओं का बाप है, उनको सब याद करते हैं। सब माने कितने? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सब उनको याद करते हैं। उनको जानने से ही वर्षा मिलेगा, क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता अव्यक्त है। उस अव्यक्त को जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, उसमें देखने से वर्षा मिलेगा। बाप को न जानते हो तो तुम आर्फन अथवा नास्तिक हो। आर्फन जो होते हैं तो उनका कोई धनी धोरी नहीं होता है। जब धनी धोरी कोई है नहीं तो उनको कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो समझाने वाले बड़े फुर्त चाहिए। समझाने वालों में देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। क्या? अगर समझाने वालों में देह अभिमान होगा तो वो ना आत्मा का परिचय दे सकेंगे, ना सुप्रीम सोल बाप का परिचय दे सकेंगे। शरीर में मोह नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी कब किसको नहीं कहना चाहिए, तुम तो मध्यम मध्यम दिखाई पड़ते हो, ढीले ढीले दिखाई पड़ते हो। ऐसे कहने से ही तुम उनको बीमार कर देंगे। कोई कोई विधो को हमेशा शुभ बोलना चाहिए। यहाँ तो योग बल से काम लेना चाहिए। कोई की भला अवस्था कैसी भी हो, लेकिन तुम योग बल से उसकी अवस्था को अच्छा बना सकते हो। तुम्हारा हर्षित मुख चेहरा देख करके वो भी हर्षित मुख हो जाएगा। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बहुत खाने से नींद जास्ती आवेगी। क्या? बहुत बहुत खा लेते हैं, हविष लालच आ जाता है अच्छा भोजन देख के, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत नींद आती है। अच्छा, हद के भोजन की बात है कि बेहद के भोजन की भी बात है? हद का भोजन वो तो अन्न है, अन्न अर्थात अनाज। अनाज ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, नींद ज्यादा आती है। और आत्मा का भोजन कौन सा है? ज्ञान। तो पीना है, पानी है, स्नेह है, प्यार। अगर वो भोजन भी कोई देहधारी के साथ जास्ती कर लिया तो भी नींद जास्ती आवेगी। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य मात्र ज्ञान की घोर निद्रा में सोए हुए पड़े हैं। तो एक बाप दूसरा न कोई। जो भोगी होते हैं वो बहुत जास्ती खाते हैं। निजाम बादशाह हैदराबाद, उसको 500 रानियां थी। कितना खाता था नाश्ता? केले का लंगर। हाँ, केले का पूरा लंगर उसके सामने लाया जाता था सवेरे को, और सारा खा जाता था। तो बाप कहते हैं ऐसा भोगी नहीं बनना है, तुमको तो योगी बनना है। जो योगी होते हैं वो बहुत कम खाते हैं।
बड़े आदमी बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि उनको खुशी जैसी खुराक नहीं। आगे ये बच्चियां बहुत कायदे में रहती थी, क्या कहा अभी नहीं, कब जब शुरुआत हुई थी यज्ञ के आदि हुई थी तो सात्विक स्टेज थी, तो सात्विक स्टेज में बहुत कम खुराक खाती थी, कायदे से खाती थी, कायदे में रहती थी। अगर कोई टाइम पर ना आए तो सभा में उनको पीछे अथवा बाहर खड़ा कर देती थी। हर एक के भोजन का अंदाज बांधा हुआ था आदि में, बट्टी में बड़े कायदे रहते थे। कई तो ऐसी आई जो पेट में भी बच्चे लेकर के आ गई, उनको क्या पता जो पेट से बच्चा होगा वो अभी ब्राह्मण निकलेगा, ब्राह्मण निकलेगा या शूद्र निकलेगा, उनको कुछ भी पता नहीं था। बाप तो बहुत प्यार से चलाते हैं, लौकिक से भी जास्ती प्यार से बाप चलाते हैं। समझते हैं कि अगर ये ट्रेडर बन गया तो भी नुकसान बहुत कर देंगे। आगे पीछे की सारी बातें समाज में फैलाते फिरेंगे और ऐसा होने से फिर अबलाओं पर मार पड़ जाएगी, अबलाओं के ऊपर बंधन आ जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत प्यार से चलाते थे, क्योंकि अबलाओं पर ही अत्याचार जास्ती होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा भी है, बाप समझाते हैं ये रावण राज्य है, इस रावण राज्य में जो धरणी माता है कहां से पैदा होती है, धरणी माता उसकी यादगार दिखाते हैं, सीता ने जन्म लिया, कहां से जन्म लिया, धरणी से जन्म लिया, वो तो थी ही धरणी का रूप, धरणी माने कन्या माता है। कलयुग के अंत में जब पापों का बोझ ज्यादा बढ़ता है तो धरणी पर बहुत पाप का बोझ चढ़ जाता है। वो जड़ धरणी की बात नहीं है, चैतन्य कन्याओं माताओं की बात है। अभी तुम पार्वतियां हो, क्या अगर तुम अभी अपन को टिकाए के रखोगी, माया के प्रेशर से हिलना डुलना नहीं करोगी तो तुम्हारा पार्ट क्या होगा, पार्वती का होगा। पार्वती माना जो पार लगाने वाली हो। अगर धरणी हिल गई तो जितने भी महलवाणियां अटारियां जितनी भी जनरेशन है, चाहे वो वेद की ब्राह्मणों की दुनिया की जनरेशन हो और चाहे वो बाहर की दुनिया की जनरेशन हो, सब सब महलवाणियां अटारियां गिर पड़ेंगी और बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तुम पार्वतियां अमर कथा सुन रही हो, ये अमर बनाने वाली कथा है। जो बाप तुमको सुनाते हैं ये कथा, जो सुनते हैं दिल और दिमाग से, वो अमर हो जाते हैं। माना ज्ञान में भी निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, उनके मरने करने की बात नहीं रहती। जास्ती नाम माताओं का है, अमर कथा सुनने वालों में भी जास्ती नाम किसका है, कहते हैं पार्वती ने कथा सुनी,
शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई और शंकर तो कथा नहीं सुनाता है, कथा सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा तुम पार्वतियों को अमर कथा सुनाते हैं, तुम्हारा नाम ज्यादा है, तुम्हारी सेना है, सेना का नाम क्या है? शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम है तो इकट्ठे, शिव शक्तियां भी हो और वंदे मातरम भी हो, परंतु मेजॉरिटी यहां माताओं की होने के कारण ऐसे गाया हुआ है। कैसे? शिव शक्ति पांडव सेना, पांडवों की संख्या कम है और माताओं की संख्या जास्ती है। पुरुषों में चंचलता जास्ती होती है, इसलिए उनका नाम नहीं गाया हुआ है। स्वर्ग के गेट कौन खोलने के लिए निमित्त बनती है? माताएं जास्ती निमित्त बनती है। कौन सी माताएं निमित्त बनती है? जो पार लगाने वाली होती है वो निमित्त बनती है, या माया का प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो डुबोने वाली बनती है वो निमित्त बनती है, जो पार लगाने वाली होती है वो निमित्त बनती है। कोई कोई फिर सुपनखा पूतना बन जाती है तो माया के प्रेशर में आकर के खुद भी डूबती है और दुनिया को भी डुबा देती है। पुरुषों में तो चंचलता होती है, स्त्री कब निर्लज्ज नहीं होती है। विकारों के मामले में स्त्रियों में लज्जा रहती है और पुरुषों में निर्लज्जता आ जाती है। पहले पुरुष निर्लज्ज बनते हैं तो समझाया जाता है, स्वर्ग में संपूर्ण निर्विकारी थे तो कहते थे ऐसे कब हुआ ही नहीं है कि स्वर्ग में जो है स्वर्ग कोई ऐसा होता हो जहां संपूर्ण निर्विकारी हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता ही ना हो, क्योंकि शास्त्रों में तो सत्युग त्रेता में भी विकारों की बातें लिख दी हैं। कहते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, संपूर्ण का मतलब क्या है? हैं? संपूर्ण माने जिसके कर्मेंद्रियों में कोई भी चंचलता ना आए। कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं आएगी तो ज्ञानेंद्रियां भी चंचल नहीं होंगी, जब चंचल नहीं होंगी तो व्यभिचार भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सत्युग में कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। बाकी बच्चे तो जरूर पैदा होंगे, शेष इंद्रियों के आचरण से बच्चे पैदा होंगे, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसके लिए मोर का मिसाल दिखाया जाता है। इस आखिरी जन्म में भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? है पक्षी क्यों माना जाता है? क्योंकि पक्षी उड़ान भरता है। तुम बच्चे भी पक्षी हो, आत्मा की ऊंची ऊंची उड़ान भरते हो। तुम्हारी आत्मा कहो एरोप्लेन कहो, ये आत्मा रूपी एरोप्लेन तब ही ऊंचा उड़ सकता है जब ये दृढ़ता अंदर से आ जाए कि हमें कर्मेंद्रियों नहीं बनाना है। तो वहां सत्युग में बच्चे पैदा होंगे, स्वर्ग कहा जाएगा, कुछ और ताकत होगी। जो कर्मेंद्रियों की अभी ताकत है वह ताकत वहां नहीं होगी, बल्कि वो दूसरे प्रकार की ताकत होगी। कौन सी ताकत होगी? हैं? मनसा वाचा और कर्मणा कहा जाता है।
तो कर्मणा की ताकत नहीं हो, बाहुबल की ताकत नहीं होगी वहां। कौन सी ताकत होगी? योग बल की ताकत। योग बल भी गाया हुआ है ना। योग माना क्या होता है? बाबा तो कहते हैं याद करो। याद किसको किया जाता है? जिससे प्यार होता है उसको याद किया जाता है, जिसके साथ स्नेह होता है उसको याद किया जाता है। तो योग बल माने स्नेह का बल। स्नेह भी विभिचारी नहीं, कुछ इसको प्यार किया, कुछ उसको प्यार किया, कुछ उसको प्यार किया, अनेक प्रकार के संबंधों में स्नेह बट जाता है। वो तो कली की दुनिया की बात हुई, रावण राज्य की बात है। स्वर्ग की दुनिया में स्नेह बटा हुआ नहीं होता है, ऐसे रूहानी प्यार होता है आपस में, लेकिन एक का एक के साथ प्यार। कितना? एक जन्म का भी नहीं, 21 जन्म तक एक के साथ आत्मा बंध करके रहती है स्नेह के धागे में। तो योग बल क्या कहा जाता है? योग बल से ही हम सारे विश्व को पवित्र बनाए रहे हैं। ये प्रकृति के 5 तत्व भी योग बल से पवित्र बनेंगे। प्रकृति जो है वो भी कोई ज्ञान सुनकर के पवित्र बनने वाली नहीं है। प्रकृति के 5 तत्व वो भी चैतन्य है। प्रकृति भी चैतन्य रचना है परमात्मा की, लेकिन चैतन्य होते हुए भी उसमें जड़त्वमयी शक्ति जाती है। उसका परिवर्तन स्नेह से होगा। जो पवित्र बनते हैं उनके लिए जरूर पवित्र सृष्टि चाहिए। इसका मतलब जो पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनके लिए पवित्र सृष्टि नहीं मिलेगी। क्या कन्या माताएं जास्ती पुरुषार्थ करती है पवित्र बनने का, और पुरुष उतने हैं, पुरुष चंचलता होने के कारण उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, तो रिजल्ट क्या होता है? जो भी यहां के जोड़े हैं वो वहां जोड़े नहीं बन पाते। क्या ज्ञान में पुरुष भी चलता है, ज्ञान में स्त्री भी चलती है, स्त्री प्योरिटी में जाती जाती है, आगे जाती है, पुरुष उतना नहीं कर पाता, क्योंकि जोला ही पुरुष का है। कोई एक पुरुष की बात नहीं, बाबा ने तो सारे पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताई दिया। तो जो जास्ती तीखा जाएगा उसको याद भी जास्ती आवेगी और अब भी विचारी याद आवेगी। तो जरूर पवित्र सृष्टि किसको मिलेगी? कन्या माताओं को। जो नई स्वर्ग की दुनिया आवेगी उसमें पवित्र सृष्टि का वातावरण उनको जास्ती मिलेगा और पहले मिलेगा। इसलिए बताया है कि 3 मधुवन बनेंगे। क्या? 3 मधुवन बनेंगे, 3 पांडवन बनेंगे, 1 स्वर्गाश्रम, 1 शांति धाम, जहां योग का वाइब्रेशन होगा, और 1 सारी दुनिया का संचालन जहां से होना है विनाश के टाइम पर। तो जो जो पवित्र आत्माएं बनती जावेंगी वो स्वर्ग की नई दुनिया में पहुंचती जावेंगी। जो पवित्र नहीं बनेंगे उनको तपस्या करनी पड़े, या तो तपस्या करें तपस्या भूमि में रहें, या तो फिर संसार की दुनिया में रहें, जहां आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, अंत तक युद्ध चलेगा। तो जो पवित्र बन जाते हैं उनके लिए जरूर पवित्र सृष्टि बनेगी। पहले स्थापना होगी कि विनाश होगा?
स्थापना होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। तो स्थापना बड़े स्तर में हो जाएगी या छोटे स्तर में होगी पहले? जरूर कोई थोड़ी आत्माएं निकलेंगी जो पवित्र वाइब्रेशन वाली होंगी, उनके लिए नया संगठन तैयार हो जाएगा। और जो अपवित्र बच्चे रह जाएंगे उनको फिर युद्ध करना पड़े। तो सब तो योग में नहीं रहते क्या? सब एक जैसे स्नेह में अभिविचारी याद में नहीं रह सकते। नंबर वार है, जानते हैं जो करेगा सो पावेगा। क्या क्या पावेगा? स्वर्ग। जो करेगा सो स्वर्ग में पद पावेगा, नहीं करेगा तो नहीं पावेगा। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं वो ही प्राप्ति करते हैं, नई सृष्टि के मालिक बनते हैं। बच्चों को सर्विस पर रहना चाहिए। तरीका क्या बताया? हाँ, अगर माया ज्यादा ही तंग करती हो तो जिनको जितना जास्ती माया तंग करे उनको उतना ही जास्ती ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए। उससे क्या होगा? बुद्धि बढ़ गई नहीं। क्यों? सर्विस करने से अवस्था नीचे नहीं गिरती है? दूसरों, हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं सेवा में ही लगे रहते हैं उनको विशेष एक प्राप्ति होती है कि उनको बाप याद करते हैं। क्या? दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो चाहे कितने भी विकारी हों, पतित हों, कैसे भी दुर्योधन दुशासन हो, लेकिन बाप की ये गारंटी है जो सर्विस में लगे रहेंगे उनको बाप की याद का जो विशेष सहयोग मिलेगा वो उनको ऊंचा जरूर उठाएगा। तो कभी हौलट नहीं होना चाहिए, होल दिल नहीं हो जाना चाहिए। अरे हम तो आए पुरुष तन, हमसे तो ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। बाप तरीका बताते हैं क्या करना है। कन्याएं माताएं उनके लिए तो इस दुनिया में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो चारों ओर घूम करके सर्विस सेवा कर सके, लेकिन जो पुरुष वर्ग है, जो पांडव हैं, वो चाहे तो जास्ती सेवा कर सकते हैं और बहुत सेवाधारी बन सकते हैं, बाप की नजरों में ऊंचे चढ़ सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं। जो जास्ती पतित बनते हैं, चंचल बुद्धि किसकी जास्ती बनती है? जो जास्ती पतित बनते हैं उनकी बुद्धि भी चंचल बनती है। तो जो जास्ती चंचल बुद्धि बनते हैं, पतित बुद्धि बनते हैं, मैं उन्हीं को आकर के उठाने आया हूं। तो इस बात में हंक नहीं होना चाहिए। किस बात में? कि मैं तो बहुत पतित हूं, मैं तो बहुत चंचल हूं। नहीं, बाप आया ही है पतितों को पावन बनाने के। सिर्फ माम एकम याद करो। क्या शर्त? क्या रख दी? सर्विस बहुतों की करो, सेवा भला अनेकों की करो, लेकिन कहीं भी बुद्धि का लगाव फंसना नहीं चाहिए। जिनकी सेवा करो उनकी सेवा की और उसको दे दिया, तेरी सेवा उसका रिजल्ट तेरे हवाले। अगर उसमें आप ममत्व तो आ गया कि ये मैंने सेवा की, ये मेरी रचना है, तो वो हिलगाई देगी। इसलिए माम एकम याद करो। माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारी खाद निकलेगी। याद तो करते हैं लेकिन थोड़ा बाबा को भी याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरों में भी बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी याद हो जाती है, तीव्र योग अग्नि नहीं जागती। जैसे सोना होता है ना, तो सोना जब धीमी आग में डाला जाएगा तो वो गलेगा नहीं, और तीखी आग में डाला जाएगा
तो गल जाएगा और तो उसका सारा कचरा अलग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही ये योग बल का हिसाब है, अगर एक की याद होगी तो तीव्र अग्नि जलेगी। तीव्र अग्नि जलने से जो भी विकार हैं, जो भी विकृतियां हैं, जन्म जन्मांतर की आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं विपरीत कर्म करने के, परमात्मा ने जो कर्म करना सिखाए थे उन कर्मों की विपरीत कर्म करके संग के रंग में आकर के जो हम नीचे गिरे हैं उससे हमारा छुटकारा जल्दी से हो जाएगा। तुम आमे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। कौन सी खाद पड़ गई है? विकारों की खाद कहाँ से पड़ गई? हाँ, द्वापर युग में ये विकारी आए। कौन कौन विकारी आए? कामी इस्लामी आए, क्रोधी क्रिश्चियन आए, लोभी मुस्लिम आए। इनके संग के रंग में हम न जानने के कारण फंस गए। इनके संग के रंग में ना आते तो हम फंसते भी नहीं, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि आते हैं इसी दुनिया में, और इस दुनिया में आते हैं तो भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन सब नहीं कन्वर्ट होते। सब भारतवासी जीते जी कन्वर्ट नहीं होते, कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो जीते जी मर जाएंगी लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि गीता में ये बात सिखाई गई। भक्ति मार्ग की गीता में भी पूर्व मनुष्य गुरुओं ने ये बात बताई दी है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा लेकिन दूसरे धर्म में जाना ठीक नहीं है। तो जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं उनको दूसरी आत्माओं की खाद का संग का रंग लग जाता है। सत्युग में सोना ही सोना, त्रेता में सोना तो नहीं, कम से कम चांदी तो होती है। चांदी भी बहुत मूल्यवान है, उसमें भी बहुत शक्ति है। वो युग राम राज्य कहा जाता है। क्या? कृष्ण का वैकुंठ तो नहीं कहा जाता लेकिन फिर भी राम राज्य का गायन है। और द्वापर युग में द्वैत फैल जाता है, नाम ही है द्वापर। तो जब द्वैत फैल जाता है, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो धारणाएं धर्म हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो दो देश हो जाते हैं, दो से चार, चार से आठ बढ़ते जाते हैं, तो दुनिया में मत मतांतर फैलता रहता है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद किए सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। वो अभी याद कर लो, पहले से पक्का कर दो तो अच्छा, और बाद में पक्का करेंगे परिस्थितियों के वशीभूत होकर के पक्का करेंगे तो पद नीचा हो जाएगा। रास्ता तो कोई दूसरा है नहीं। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो, जो भी नदियां निकलती हैं कहां से निकलती हैं? सागर में जब भाप बनती है, गर्मी आती है तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, और वो पानी बादलों के रूप में पहाड़ों से टकराता है। सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ की संज्ञा किससे दी गई है? शंकर से नहीं है? पार्वती किसकी बच्ची थी? हिमालय की बच्ची थी। तो वो हिमालय पहाड़ की बात नहीं है, हैं? पहाड़ जैसा जो अडिग रहता है, हिमालय पहाड़ की तरह जो अडिग रहकर पुरुषार्थ करता है उसका मानिंद दिया गया है पहाड़। उस पहाड़ से वो बादल टकराते हैं और नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
कोई नदियां जो है उस पहाड़ से टकरा करके पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है, अरब सागर में गिरती है। क्या? कौन सा सागर? अरब सागर में गिरती है। सागर तो एक ही है, लेकिन फिर उसके सात नारायण जैसे सात हिस्से बन गए। तो कुछ नदियां अरब सागर की तरफ ढुर जाती है। क्या? अरब सागर की तरफ उनकी बुद्धि ढुर जाती है, खिसक जाती है, और माम एकम याद की स्टेज से नीचे गिर जाती है। तो जो उधर ढुर जाती है उनका इतना महत्व स्नान करने का नहीं रहता, और जो पूरब की ओर ढुरती है, पूर्वी सभ्यता की ओर, भारत की नदियां एक तो पश्चिम की तरफ गई, कौन कौन सी? सिंध नदी, सिंध के साथ सतलज, व्यास, नहीं हाँ सतलज, व्यास और रावी, रावी नदी, ये चार पांच नदियां जो हैं, पंचनद कहा जाता है ना, ये जहां से पंजाब बना है, तो वो नदियां उधर ढूंढ जाती हैं। तुम तो ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम कोई अरब सागर के बच्चे नहीं हो, तुम ज्ञान गंगाएं हो जो पूर्वी सभ्यता को पकड़ती हो। पूर्वी सभ्यता क्या है? है ऐसी मिट्टी जो चिपकती नहीं है। गंगा की मिट्टी कैसी होती है? चिपकती नहीं है, माने देह अभिमानी की मिट्टी तो है, देह अभिमानी तो द्वापर कलयुग में सब हो जाते हैं, लेकिन उनकी देह अभिमानी की मिट्टी ऐसी है जो कोई से लगाव लगाव पैदा नहीं करती, चिपकती नहीं है। तो वो मिट्टी जो है जल्दी छूट जाती है, थोड़ा सा पानी डाला और छूट गई, और मैल माटी भी साफ कर देती है, पेट के अंदर अगर कचरा हो तो वो भी थोड़ा साफ हो जाता है, नुकसान नहीं करती। दो तरह की नदियां हैं, जो पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां हैं वो दो तरह की हैं, एक तो यमुना नदी, वो यमुना नदी सीधी उत्तर से दक्षिण देशों की तरफ बहती है, दक्षिण भारत की ओर, उसकी मिट्टी चिकनी है। क्या? चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी क्या करती है कमाल? शरीर में चिपक जाती है, है उसको कहते हैं यमुना नदी, है उसका संग का रंग जिसको जिसको लगेगा वो देह अभिमानी की मिट्टी उनमें चिपक जाएगी। तो चिपकनापन जो है वो देह अभिमान का खतरनाक है, और गंगा की मिट्टी, गंगा सीधी दक्षिण की ओर नहीं बहती। क्या? उसकी दिशा थोड़ी थोड़ी पूर्व दिशा की ओर कटती हुई जाती है। तो पूर्व की सभ्यता में और पश्चिम की सभ्यता में क्या अंतर है? हैं? पश्चिम की नदियों में कोई स्नान नहीं करता और पूर्व की नदियों में ज्ञान स्नान किया जाता है। पश्चिम की नदियों का जो ज्ञान जल है वो ज्ञान जल पवित्र बनाने वाला नहीं है। कोई ने सुना कि विदेश की नदियों में कोई स्नान करता हो? विदेशी नदियों में जाके कोई स्नान नहीं करता, चलो भारतवासी ही वहां जाकर के बस गए हो, लेकिन वहां जाके स्नान क्यों नहीं करते उन नदियों? हैं? क्योंकि वो पवित्र नहीं बनाती, देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली है, और भारत में ज्ञान गंगाओं का गायन है। ज्ञान गंगाओं की जो सहयोगी नदियां हैं वो भी उसी प्रकार की है। तो कहते हैं नदियों में भी नंबर वार होती है, एक जैसी नदियां नहीं है, तो उनमें फर्क हुआ ना। तुम भी ज्ञान नदियां हो,
त्रिवेणी नदी कहते हैं ना, कहां कहते हैं? अल्लाहाबाद में। कहां? अल्लाहाबाद में, जो अल्लाह का नगर है, वहां त्रिवेणी नदी बहती है। वो तो जड़ नदी है, जरूर ब्राह्मणों की ने दुनिया में एडवांस पार्टी में भी तीन नदियां होंगी, और वो तीनों नदी का बुद्धि का योग, जो बुद्धि का रुझान है, वो कहां की तरफ बहता होगा? है अल्लाहाबाद की तरफ। तो जहां जहां की तरफ तीनों नदियों का रुझान जाता होगा, वहां जाकर के मिलेंगी। जब तीन नदियां बहती हैं और बहते बहते अल्लाहाबाद में इकट्ठी होती हैं, तो कह वहां के स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। एक नदी उनमें गुप्त मानी जाती है, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। बेसिक नॉलेज में भी सरस्वती नदी आदि में नहीं आई, और अंत में भी 75 तक नहीं रही, बीच में आई और बीच में ही लोप हो गई। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी 76 से, जिसे जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है, वो आदि में नहीं होती, मध्य में प्रत्यक्ष होती है और मध्य में ही लोप हो जाती है। एक नदी कहते हैं गुप्त है। अब तुम सब नदियां हो, चाहे सरस्वती नदी के माफिक हो, चाहे यमुना नदी के माफिक हो, चाहे गंगा नदी हो, लेकिन तुम सब नदियां हो। अब वो कहते हैं सरस्वती नदी गुप्त थी, अब तुम तो प्रत्यक्ष हो। ये वाणी कब की है? छाछठ की है। तो बोला, तुम सरस्वती और उसकी सहयोगी नदियां, तुम तो प्रत्यक्ष हो। अभी गुप्त हो गई है, छाछठ में तो गुप्त हो गई थी ना, और उसकी सहयोगी नदियां उस समय सामने थी। है ये ज्ञान की बात है। सरस्वती नदियां पहले प्रत्यक्ष होती है और अंत में गुप्त हो जाती है। और गंगा नदी के लिए क्या बोला? ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। गंगा के बारे में क्या बोला? अभी तुम्हारे में बोला गंगा कहां से निकली? अल्लाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? है तो अल्लाहाबाद को कानपुर से क्यों जोड़ दिया? है ठीक है, कानपुर में भी गंगा नदी बहती है, स्थूल गंगा कानपुर में भी बहती है, और स्थूल गंगा इलाहाबाद में भी बहती है। बहती बहती तीनों नदियां इकट्ठी हो जाती है, लेकिन निकली कहां? निकली का मतलब क्या हुआ? निकली माना प्रत्यक्ष हुई, मैदान में प्रत्यक्ष हो जाना। तो कानपुर से कोई गाय नहीं है, फिर कानपुर को ऐड क्यों कर दिया? है दूसरे शहर को क्यों नहीं ऐड कर दिया? है फर्रुखाबाद शहर में भी तो बहती है, अयोध्या में भी बहती है, उसको ऐड क्यों नहीं किया? है हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ उसका नाम कानपुर है तो जरूर सुनाने वाले ने कानपुर दिए होंगे, सुनाए सुनाए के। अब ज्यादा सुनने की तथा नहीं रही। तो ज्ञान गंगाएं जो होती हैं, वो अंत में निकलती हैं। अंत में निकलने का मतलब क्या हुआ? जो आदि में सो अंत में। इसका मतलब कि ज्ञान गंगा ने बेसिक नॉलेज के आदि में भी वो ज्ञान धारण किया होगा, और अंत में भी वो ज्ञान धारण करके संसार को बांटती है। एडवांस पार्टी में भी आज में धारण करती है और अंत में बांटती है। तो ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के बाण हैं।
तुम ज्ञान के बाणों से घायल करती हो ना, उन बाणों से भी घायल किया जाता है। वो स्थूल बाण है, स्थूल खून बहे देते हैं, और ये ज्ञान के बाण है। ये ज्ञान जो संकल्पों का खून है वो बाहर निकल आता है। उन्होंने फिर हिंसक बाण समझ लिए है। सब नदियों के बीच में गंगा जल का बड़ा महत्व रखते हैं। क्या महत्व रखते हैं? और नदियों का जो पानी है कहते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं पड़ते। क्या कारण हुआ है? माना सात्विक स्टेज में आदि में, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज के आदि में जो ज्ञान होता है वो भी सात्विक होता है। क्या दुनिया की हर चीज कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? चार अवस्थाओं से गुजरती है। तो बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, एडवांस नॉलेज भी जो शुरू शुरू में निकली, जो फोर्स उस समय था वो फोर्स बाद में उतना नहीं रहता। इसलिए जो पुरानी पुरानी कैसेट है उनको ढूंढ ढूंढ करके सुनना चाहिए। उस टाइम VCD तो निकलती नहीं थी, न बेसिक नॉलेज में निकली, न एडवांस नॉलेज में निकली, आदि में नहीं निकली। तो आदि वाली जो सात्विक नॉलेज है वो जरूर ज्ञान गंगा ने धारण की होगी। तो बोला कि ज्ञान की बातें हैं, गंगा जल का बड़ा महत्व है। कहते हैं वो पवित्र जल है, इस समय बाप को कोई पहचानते नहीं है, गंगा भी नहीं पहचानती, यमुना भी नहीं पहचानती, जगदम्बा भी नहीं पहचानती, सीता भी नहीं पहचानती, पार्वती भी नहीं पहचानती। इस समय कोई पहचानते नहीं है। तो क्या होता है? जितना नहीं पहचानते हैं उतना क्या होता है? न पहचानने से क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। बिना से काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, और बिना से काले अगर प्रीति बुद्धि हो जाए तो फायदा हो जाता है। प्रीति नहीं है, अगर प्रीति नहीं है तो गोया दुश्मन ठहरे। ये क्या बात हुई है? चाहे ज्ञान गंगा हो, चाहे ज्ञान यमुना हो, चाहे ज्ञान सरस्वती जगदम्बा हो, कोई भी हो, लेकिन अगर बाप से विनाश काले विनाश सामने खड़ा हुआ है और उस समय अगर प्रीति बुद्धि नहीं है तो नुकसान हो जाता है। प्रीति बुद्धि नहीं है तो गोया उस समय दुश्मन ठहरे। क्या कहा गंगा के बारे में? फिल्म भी बनाई है, कौन सी? राम तेरी गंगा मैली। अब जब गंगा ही मैली हो जाएगी तो दूसरी नदियां तो क्या हाल होगा है? जिस गंगा के लिए इतना महत्व है, गंगा पतित पावनी के लिए, वही अगर मैली हो जाती है कलयुग के अंत में आकर के तो दूसरी नदियों को तो और ही बुरा हाल हो जाता है। तो बताया प्रीति नहीं है तो कोई दुश्मन ठहरे। बाबा ने कहा था कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो। क्या बाप की पहचान देने के लिए क्या रखो? कोर्ट ऑफ आर्म्स जो बनाया हुआ है ना भारत का, तीन शेरों वाला, नोटों पर भी वो तीन शेरों का चित्र बनाते हैं, है? अशोक की लाठ भी जगह जगह रखी हुई है यादगार में, और जो स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर्स कोर्ट के, उसमें भी तीन शेरों का चित्र बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो, तो तीन शेरों का रखेंगे
तुम जानवरों का कोटा फार्म्स रखेंगे या ह्यूमन कोटा फार्म्स बना देंगे? हैं? उन्होंने तो शेर दिखा दिए हैं, क्योंकि समझते हैं ये दुनिया कांटों का जंगल है, तो कांटों की जंगल में दहाड़ मारने वाला शेर, जंगल का राजा शेर दिखाई दिया है। उनमें एक शेर है, एक दो दो शेर नहीं दिखाई दिए हैं। वास्तव में ये जानवरों की बात नहीं है, मनुष्य ऐसे बन जाते हैं। कैसे? जानवरों जैसे खूंखार हिंसक मनुष्य बन जाते हैं। तो तुम कोटा फार्म्स रखो, परंतु ये बात एक की भी बुद्धि में नहीं आती है। क्या? कि गंगा यमुना सरस्वती इन नदियों की अगर सेवा करनी है, जगदम्बा के मंदिर में जाकर सेवा करनी है, तो क्या करें? कोर्ट ऑफ आर्म्स रखो और उनको समझाओ कि ये तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, कलयुग के अंत में आकर के क्या हो जाता है, सब विपरीत हो जाता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, एक की बुद्धि में नहीं आता। जो बाबा का काम कर सके, कार्टून बनाए, सैंपल बनाए भेजा तो बहुत सहज है, कोई ने भी बनाकर भेजा नहीं है। ज्ञान पर बहुत अच्छी रीत समझा सकते हैं। यादव, कौरव और पांडव, ये तीनों क्या क्या करत भय। महाभारत की किताब की लिखी हुई बातें नहीं सुनानी है, लेकिन जो भी शास्त्रों में किताबें लिखी हुई हैं, उन बातों को टैली करके, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में टैली करके उन बातों को प्रैक्टिकल समझाया जा सकता है। पांडव किसके बच्चे थे? पांडव के बच्चे थे। और कौरव कुरु के बच्चे थे। हमने किया। तो अहंकारियों के बच्चे हो गए। और यादव यजवंशियों के ऊपर किसका राज्य था? कहते हैं कृष्ण का राज्य था। जब महाभारत लड़ाई छिड़ी तो कृष्ण ने अपनी सेना यादवों की सारी सेना कौरवों को हवाले कर दी। कौरव तो थे ही विरोधी, अपनी सेना भी उनको दे दी और पांडवों का साथ ले लिया। पांडव बहुत थोड़े थे, उंगलियों पे गिने जाने योग्य पांच पांडव, और कौरव और यादवों की संख्या बहुत भारी थी। यादव किन्हों कहा जाता है? यादवों को बहुत बड़ी बड़ी ऊंची महलमाणियां, अटारियां, अट्टालिकाएं दिखाई गई, बहुत धनाढ्य थे। इस दुनिया में ऐसे धनाढ्य कहां हैं? जो भी यूरोपीय कंट्रीज हैं, वो सारे धनाढ्य देश हैं। अमेरिका वगैरह सब उन्हीं से निकली हुई, वहां जो भी रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, इस्लामी हैं, वो बहुत बहुत धनाढ्य हैं और बड़े शराबी होते थे। क्या? शराब बहुत पीते थे। ब्राह्मणों की दुनिया में तो कोई शराब नहीं पीता, कैसे टैली करेंगे? हैं? हाँ, ये जो आंखों से बेविचार का सरूर पिया जाता है, उससे भी नशा चढ़ता है। तो ये जो नशा है, ये बिल्कुल पतन के गर्त में ले जाता है। आंखें सबसे जास्ती पतित तो होती हैं और आंखें सबसे जास्ती पावन भी बनती हैं। तो यादव क्या करते भय? बाप कहते हैं समझाओ, यादव कौरव पांडव क्या करते भय? शास्त्रों की बातों को कहां टैली करके समझाओ? अभी वर्तमान में ब्राह्मणों की दुनिया में टैली करके समझाओ कि जो ब्राह्मणों की दुनिया के यादव हैं, उन यादवों की सेना को भी कृष्ण ने, कहते हैं भगवान ने अभी छोड़ दिया,
उनको सपोर्ट अभी भगवान का जो पार्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको किसको दे दिया, कौरवों को दे दिया। और वो यादव क्या करते भाई है, बहुत शराब पीते हैं, शराब पी पी के अपनी बुद्धि खराब की हुई है। इस भारत देश में कन्याओं माताओं के लिए ये गायन चला आ रहा है कि सीता सावित्री जैसी कन्याएं माताएं पर पुरुष के सामने आंख उठा करके भी नहीं देखती थी, उसको भी विचार समझती थी, समझती थी कि हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। उसी भारत देश में अभी जो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में यादव घुसे हुए हैं, उन्होंने योग के नाम पर देखो कैसा भोग चलाया हुआ है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि कोई की बुद्धि में बात बैठती नहीं, कि अनेकों की दृष्टि से ये सृष्टि संग के रंग से पतित होती है और एक की दृष्टि से ये सृष्टि पावन हो सकती है। तो तुम यादव कौरव पांडव क्या क्या करते भाई, इन बातों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। कौरव क्या करते भाई, उनमें अहंकार बहुत होता है, हमने ये किया वो किया। आज के नेता लोग क्या कहते हैं है? वो ये बात मानने के लिए तैयार होंगे कि हिंदुस्तान हम नीचे गिरा रहे हैं, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है, भारत देश बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है। अरे तरक्की की ओर जा रहा है कि विनाश के गर्त में धकेल रहे हो? माने जैसे कौवे होते हैं ना, कौ रव, शास्त्रों में जितने भी नाम है वो जैसा जैसा काम किया है वैसा वैसा नाम पड़ गया। तो कौवा काव काव बहुत करता है, वो काव काव का मतलब कुछ भी नहीं होता। काव काव जहां कौवा करेगा वहां ढेर सारे कौवे इकट्ठे हो जाएंगे। कौवा क्या खाता है, गंध खाता है, गंध माने व्यभिचार। तो कौरव गवर्नमेंट ने 5-star होटल बनाए हुए, सरकारी होटल भी बने हुए, उन्हें बहुत गंध चलता है। अब इतना व्यभिचार चलेगा तो भारत का क्या हाल होगा? भारत की जो कन्याएं माताएं जिनसे भारत का उत्थान होता है, घर की धरणी अगर श्रेष्ठ हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर भ्रष्ट हो जाए तो घर नरक बन जाए। तो इन कौरव गवर्नमेंट ने क्या हाल कर रखा है? बाहर की क्या कौरव गवर्नमेंट की बात करेंगे बाबा? बाबा किसको पढ़ाने आए हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने आए हैं ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो कौरव गवर्नमेंट के लोग हैं उनको फॉलो करने वाले हैं, चाहे उनकी प्रजा है या उनके अधिकारी हैं, उनके लिए बाप की पढ़ाई है कि ये जो तुम तो बड़े बड़े सेंटर्स खोलते जा रहे हो इनमें धंधा क्या करवा रहे हो? कौन सा मुख्य धंधा चलता है? जो भी जिज्ञासु आते हैं ज्ञान की बातें नहीं सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनने में उनको उतना रस नहीं होता है। किस बात में रस आता है? हाँ दृष्टि लो, थोड़ा योग सिखाओ बहन जी। बाबा कहते हैं योग सिखाया नहीं जाता है, योग सिखाने के लिए कोई मनुष्य गुरु निर्धारित नहीं है। ये तो तुम इंद्रियों का व्यभिचार फैला रहे, इंद्रियों से विकार फैला रहे हो। बाप कहते हैं दृष्टि योग, ये भी एक प्रकार का बुद्धि लटकाई देता है। क्या बार बार किसी से दृष्टि लेंगे तो उसमें बुद्धि लटक जाएगी, बुद्धि लटक जाना माना शादी। शादी में क्या होता है, कन्या को पति का फोटो दिखाया जाता है,
और फोटो देखते ही कन्या की बुद्धि उसमें लटक पड़ती है। यहाँ तो फोटो की भी बात नहीं, यहाँ तो चैतन्य सामने बैठा हुआ, तो क्या हो रहा है? जैसे लौकिक दुनिया में धर्मशालाएं खोली हुई है, बाबा कहते हैं ये कोष घर खोले हुए हैं, क्या इनमें कन्याओं को कोसने का धंधा चल रहा है? ये शादी बर्बादी है, इंद्रियों की विकृति में जाना, विविचार में जाना, माना शादी। शादी कोई दूसरी चीज नहीं है, ढोल मजीरा बजा लिया उससे शादी नहीं होती है। अगर ढोल मजीरा बज जाए, भावरा भी पड़ जाए और कन्या भाग खड़ी हो और कहीं योग आश्रम में जाकर के भगवान से योग सीखने लगे, तो उसको कहेंगे उसकी शादी हुई? शादी नहीं हुई। शादी कहा जाता है बर्बादी को, जो इंद्रियों से व्यभिचार चलता है उस व्यभिचार से शादी हो जाती है, बुद्धियोग लटक पड़ता है। जब बुद्धियोग लटक पड़ता है तो जैसा बुद्धि को संग लगता है वैसा रंग चढ़ता चला जाता है। कितने ये कोष घर खुले हुए हैं, असंख्य कोष कोष घर खुलते जा रहे हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी खुल गए और हर विदेश में खुल गए हैं और उन कोष घरों से ढेर सारा पैसा आ रहा है। किस कोष घर खुलते जाओ और पैसे पैसों के अंबार लगाते जाओ। तो बोला ये समझाना है कि यादव कौरव और पांडव क्या क्या करते भाई, बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते बाबा से ज्यादा अच्छी रीति कोई समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता है? खुद ही समझो न है? नहीं, सागर तो है लेकिन बताया है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने की ताकत सिवाय भगवान की तीन मूर्तियों में से जो तीसरी मूर्ति महादेव की मूर्ति है उसके अलावा और किसी में ये ताकत नहीं है। ये बहुत कड़ा काम है, इसलिए ब्रह्मा को भी भुजाएं ढेर दिखाते हैं। क्या ब्रह्मा को ढेर सहयोगी रूपी भुजाएं दिखाई हैं, विष्णु को भी भुजाएं दिखाते हैं, जगदम्बा को भी ढेर भुजाएं दिखाते हैं, लेकिन लेकिन शंकर को ढेर भुजाएं नहीं दिखाते। माने सदा काल उनका कोई सहयोगी बन सके ये नहीं होता। बाबा चार भुजा कई बार शंकर को दिखाते हैं, चार भुजा दिखाई हुई। हाँ हाँ, उसमें भी शंकर का पार्ट बजाने वाली भुजा कौन सी है? शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है? नहीं, अर्धनारी सो नहीं, जो चार भुजाएं हैं माने चार आत्माएं हैं ना, उन चार आत्माओं में भी वो पार्ट बजाने वाला कौन है? राम वाली आत्मा है ना। तो बोला कि और धर्म पिताएं तो आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अपनी धारणाओं की स्थापना करते हैं, कोई पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते। इतनी ताकत उनमें नहीं है जो पुरानेपन का विरोध करके और उनका विनाश कर सके। इसलिए दुनिया में व्यभिचार दुराचार अत्याचार बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। क्यों? विष के भरे हुए घड़े में अगर कोई थोड़ा सा खाली कर दे और थोड़ा सा दूध डाल ले तो क्या होगा? विष का विष ही रहेगा। फिर कोई थोड़े थोड़े समय बाद फिर दूध डालता रहे तो विष ही तो रहेगा। घड़े को पूरा जब तक खाली न किया जाए, एक एक बूंद उसकी खाली न की जाए, तब तक विष समाप्त नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में जो भी ज्ञान फैलाया हुआ है मनुष्य गुरुओं के द्वारा, वो सब विषय वासनाएं बढ़ाने वाला ज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया। इससे ये दुनिया उत्थान की ओर नहीं जा सकती, सुख की ओर स्वर्ग की ओर नहीं जा सकती, ये रौरव नरक की ओर जा रही है। बाप ही आकर के
त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है ना, एक मूर्ति से स्थापना कराते हैं, दूसरी मूर्ति से पालना कराते हैं, और तीसरी मूर्ति से जो दुष्टों का दमन कराते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था, परंतु कोई की समझ में ही नहीं आता। उस घर की बातें मुरली में आती हैं कि नहीं आती हैं? हैं? आती हैं? अरे कोस घर खोला हुआ है, ये बात मुरली में आती है कि नहीं आती है? आती है, लेकिन कोई समझाता ही नहीं है? पहले आती थी, लेकिन किसी ने समझाया है कि कोस घर कौन से हैं? बाहर की दुनिया में कोस घर है कि अंदर की दुनिया में कोस घर खुले हुए? बाप कहते हैं अब ये कोस घर बंद करो, ये भी मुरली में आया। तो इतना समझाते हैं बाप, लेकिन कोई की समझ में नहीं आता। अच्छा, ओम शांति। कौन बनेंगे रुद्रमाला के मण के? हैं? कहते हैं नंगा नाच किया, एक टांग उठा के नंगा नाच कराते हुए दिखाते हैं कि नहीं? तांडव नृत्य किया। तांडव माने क्या होता है? पिटाई करने वाला। अगर गौरव यादव सुनेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे उनकी डंडे से पिटाई हो रही है। लेकिन मुरलियों को शॉर्टिंग करके रखना चाहिए, कौन सी मुरली कहाँ और किसको किस माहौल में सुनानी योग्य है वहाँ सुनाना है। ऐसा ऐसे नहीं कि अब कैबिन में चल रही मुरली तो सारी मुरलियाँ नंबर वार देते चले जाओ तो क्या होगा? डिसर्विस हो जाएगी। जनरल पब्लिक में जब कैसेट लगाई जा रही है तो वो मुरलियों को शॉर्टिंग करनी पड़े कि जनरल पब्लिक की कैसेट्स कौन कौन सी हैं जो सुनाई जा सकती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो भी नए नए निकलते हैं जिन्होंने कोर्स पूरा नहीं लिया है उनको सुनाने योग्य कौन सी मुरलियां हैं जिनसे उनकी सर्विस हो जाए। और ऐसी तीखी तीखी बातें अगर सुनाई जाएंगी तो पब्लिक भी भड़क जाएगी, और जो नए नए ब्रह्मा कुमार होंगे वो भी सुन करके भड़क जाएंगे, कह दिए तो गिलानी करते हैं। गिलानी करने वाली बात नहीं है, लेकिन गहराई में उतरने की बात है। बाबा की कथा सुनाई, बाबा की कथा सुन करके सभा प्रसन्न हो जाती है, तो प्रसन्नता रूपी प्रसाद है। ब्रह्मा कुमारियों ने क्या चला दिया है? वो ऐसी परंपरा चला दी है कि अगर बंद करते हैं तुरंत तो माताएं बहुत बुरा मानेंगी।